दोस्तों करीना कपूर को अपना एटीट्यूड दिखाना बहुत ही महंगा पड़ गया जब वो अपनी गाड़ी से उतरकर सीधा एयरपोर्ट के अंदर बिना पासपोर्ट दिखाए एंट्री कर गई। दरअसल दोस्तों करीना कपूर आज शाम को एयरपोर्ट पे अपने छोटे बेटे जय के साथ मुंबई एयरपोर्ट पे स्पॉट की गई। और करीना कपूर तो अकेले नहीं थी क्योंकि उनके साथ उनके स्टाफ भी थे और उन सभी की आज की रात की फ्लाइट थी। तभी करीना कपूर और अपने स्टाफ के साथ गाड़ी से उतरती हैं और सीधा बिना पासपोर्ट दिखाए एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर जाती हैं, जबकि पीछे से एयरपोर्ट के पुलिस वाले जो होते हैं सिक्योरिटी गार्ड वो मैडम मैडम बोलते रह गए। फिर भी करीना कपूर ने उनकी आवाज को अनसुना करके एयरपोर्ट के अंदर बिना अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हुए अंदर चली गई। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इंडिया के अंदर कितना भी बड़ा कोई भी आदमी हो या कितना भी बड़ा कोई भी सेलिब्रिटी हो, सभी के लिए रूल एक जैसे होते हैं। एयरपोर्ट के अंदर बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हुए उनको एंट्री नहीं दी जाती। और भाई साहब करीना कपूर तो अपने एटीट्यूड में इतना थी कि भाई साहब बिना कुछ भी दिखाए हुए अंदर घुस गई वो। इतना सब होने के बाद करीना कपूर की जो मैनेजर थी वो बाद में आकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पुलिस को करवाती है, उसके बाद ही वो लोग आगे जाते हैं। लेकिन भाई साहब पहले जब पुलिस वाले आवाज दे रहे थे फिर भी वो उनकी बातों को अनसुना करके अंदर चली जाती है। लेकिन अब जो भी हो ट्रोलर्स इनको ट्रोल करने से पीछे नहीं रहे और करीना कपूर को सोशल मीडिया पे जम के ट्रोल किया जा रहा है इनके इन सब कारनामों के बाद। बाकी आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।